जैसा कि आप सबने इस वीडियो को अभी तक देख ही लिया होगा यूट्यूब पर, आज 17 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर देश के कई शहरों में युवाओं ने अपने गुस्से को व्यक्त करते हुए बेरोजगार दिवस मनाया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हैज फॉर द यूथ टू कॉल टुडे हैशटैग नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे। एम्प्लॉयमेंट इज डिग्निटी, फॉर हाउ लॉन्ग विल द गवर्नमेंट डिनाई इट। यूपी के प्रयागराज में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के स्टूडेंट्स ने बेरोजगारी की समस्या और साथ में संविधान के नए कानून को लेकर धरना प्रदर्शन किया। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या इतनी बड़ी है जिस पर बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में इसका क्या सिनेरियो है। सो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी परिस्थिति है जब एक व्यक्ति काम तो करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट कई तरह की होती है लेकिन इंडिया में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, जहाँ पे सरकार ऐसा सिस्टम नहीं बना पाती है जहाँ पे वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके। एम्प्लॉयमेंट तीन सेक्टर से बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और साथ में अनऑर्गेनाइज सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर, जो गवर्नमेंट बेसिकली ऑफिशियली जॉब्स निकालती है, लाइक वैकेंसीज निकालती है वेरियस डिपार्टमेंट, आईएएस आईपीएस, सो दिस इज द ऑफिशियल, तो ये गवर्नमेंट जॉब्स होती है। और प्राइवेट जॉब लाइक प्राइवेट कंपनीज में जो जॉब्स निकाली जाती है और उनको प्राइवेट जॉब्स कहते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज जॉब जो ज्यादा से ज्यादा हमारे पॉपुलेशन है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है और जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, सैलरी फिक्स नहीं होती है, सो दिस इज द जॉब। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट आज के समय में हमारे इंडिया में इतना बढ़ चुका है कि ये चाइना को भी पीछे छोड़ चुका है। चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट 5.5% है एज कम्पेयर टू इंडिया, जहाँ 8.5% जून में अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा मुद्दा है बट फिर भी कोई भी मीडिया हाउस इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। ना कि वो हेल्थ इश्यू पे बात करते हैं, ना ही वो एजुकेशन सिस्टम पे बात करते हैं और ना ही वो अनएम्प्लॉयमेंट जैसे गंभीर मुद्दे पे बात करने चाहते हैं जो कि करोड़ों बेरोजगारों का एक महत्वपूर्ण सवाल है। वो सिर्फ किस पर रिया चक्रवर्ती इस वक्त क्या कर रही है, वो कहाँ जा रही है, कैसा उनका दिन गया, सिर्फ इस चीज पर लगे हुए हैं। वो मीडिया हाउस भी उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से गवर्नमेंट चाहती है। तो हमें सोचना होगा कि बेसिकली हमें युवाओं को इस वक्त अवेयर होने की जरूरत है और नेक्स्ट इलेक्शंस में बेसिकली गवर्नमेंट हम बनाते हैं, गवर्नमेंट हम चलाते हैं, क्योंकि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ही उस पर्टिकुलर पोजिशन पे जाके हमारे लिए काम करते हैं। तो सोचना अभी हम होगा कि हमें कैसे सरकार चाहिए जो हमारे लिए सोचे, जो हमारे परिवार के बारे में सोचे, जो हमारे देश के बारे में सोचे, या फिर हमें ऐसी सरकार चाहिए जो नियमों का गलत पालन करे, जो नियमों का गलत इस्तेमाल करके जनता को ही परेशान करे। फॉर द टाइमिंग इट वॉज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।